शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहराइच अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गैंग का खुलासा, दो नियुक्त गिरफ्तार, एक फरार। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के कड़ा निर्देशन पर चला डंडा, सभी थाने को किया गया अलर्ट। थाना कोतवाली नानपारा के प्रभारी निरीक्षक आरपी यादव ने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गिरोह का किया बड़ा खुलासा। पकड़ा गया है, कितनी गाड़ी बरामद हुई है और क्या है पूरा मामला? इसमें संगठित अपराध के ऊपर जनपद बहराइच पुलिस में जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत कोतवाली नानपारा में एक गैंग जो है वो पकड़ा गया है। ये बेसिकली जनपद और अन्य जनपदों में विभिन्न स्थानों से दो पहिया व चार पहिया वाहनों को चुराते थे। चुराने के बाद उनके ऊपर जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर होता है उसको भी चेंज करते थे। कूट रचित इनके जो दस्तावेज भी बनाते थे और बनाने के बाद विभिन्न स्थानों पर इसको बेचते थे। ये गैंग को पकड़ने में थाना नानपारा की पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें दो व्यक्ति शफीक उर्फ स्टोक वाले पुत्र लल्लन निवासी मोहल्ला मियासी टोला को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही में इसके साथ विनोद वर्मा पुत्र राम सूरत वर्मा को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें गिरफ्तारी के साथ साथ इनसे काफ़ी चीज़ों की बरामदगी हुई है। एक चार पहिया वैगनर कार है, 19 मोटरसाइकिल्स हैं, दो पहिया वाहन हैं, फर्जी व कूट रचित रजिस्ट्रेशन परिपत्र हैं, परिवहन निगम की फर्जी मोहर है, फर्जी तैयार किए गए रजिस्ट्रेशन पेपर हैं। एक अभियुक्त इस गैंग का मेंबर और है जो अभी फरार चल रहा है, उसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है। इसके अलावा भी जनपद में जहां जहां पर भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि मोटरसाइकिल वगैरह जो है चोरी होते हैं, उनके साथ भी सभी मुकदमों की जो डिटेल मंगाई जा रही है, अन्य जनपदों से भी जो गाड़ियां चोरी हुई उनकी डिटेल भी मंगाई जा रही है। जो गाड़ियां आज रिकवर हुई हैं उनमें से 3 ऑलरेडी कनेक्ट हो गई हैं, बाकी गाड़ियों को मुकदमों से कनेक्ट किए करने के लिए अन्य जनपदों के साथ भी संपर्क साधा जा रहा है। सर, एक ही स्थान पर रखते थे लोग मोटरसाइकिल चुरा करके? इनका मेन मकसद ये था कि चुराने के बाद इसको बेचने के लिए कूट रचित डॉक्यूमेंट्स इसके तैयार करना और उसके बाद किसी ऐसे ग्राहक को जो कि सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हो उसको उस तरह से बेचना, उसी में ये लोग।